टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, जैसे अदर सिस्टम थे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह से नर्वस सिस्टम होता है। बट ये क्या है, चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, उन अदर सिस्टम को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करके रखता है। जो भी हमारी बॉडी के सिस्टम है अदर्स, उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा, इट एडजस्ट द बॉडी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उनको भी क्या करता है, एडजस्ट करता है और रेगुलेट करता है। वॉलेंट्री मीन्स लाइक अब जो भी काम है वो हम खुद कर रहे हैं अपनी इच्छा से, लाइक चलना फिरना, वॉकिंग करना, डांसिंग, ये सब उनको कौन कर रहा है, एडजस्ट, नर्वस सिस्टम। और इनवॉलेंट्री भी करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम सो जाते हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो ये सब कौन एडजस्ट कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इट कंट्रोल मैनी फंक्शन। जो नर्वस सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर मैनी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो नर्वस सिस्टम के अंदर हम तीन मेन पार्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ते हैं हम ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और नर्व्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, सच एज। नर्वस सिस्टम को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, या फिर नर्वस सिस्टम है जो टू टाइप्स से मिलकर बना है। तो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं, और ये कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड की, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में PNS भी बोलते हैं, और ये किससे मिलकर बना होता है, नर्व्स। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, नर्व्स की। सो अब हम डिटेल्स में CNS को पढ़ेंगे, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसे देखते हैं। द CNS कंसिस्ट ऑफ द टू मेजर स्ट्रक्चर। जो CNS होता है वो कंसिस्ट मिला होता है टू मेजर स्ट्रक्चर से, वो है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो द ब्रेन इज इनकेस इन द स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। जो हमारा ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, स्कल से। और एक क्रेनियम हिंदी में बोलते हैं लाइक खोपड़ी। तो एक बोन का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट है द स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूस विद द ब्रेन एंड लीज कॉर्डली टू द ब्रेन, इट इज अ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रा। सो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे कंटिन्यूस होती है, ब्रेन। ऐसा नहीं है कि अलग पार्ट है, ये ब्रेन से ही लीज होती है, यानी कि जुड़ी होती है, और इसकी स्ट्रक्चर लाइक कॉर्डली रस्सी जैसी होती है। तो ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ही अटैच होती है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रा। जिस तरह से हमारा ब्रेन किस में प्रोटेक्ट होता है, स्कल में, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रोटेक्ट होती है, वर्टिब्रा। ये बोन्स के बने होते हैं, स्कल एंड वर्टिब्रा। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को फ्लो चार्ट में समझेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने क्या पढ़ते हैं, हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी की जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेन, नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फर्दर ऑल सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, थ्री टाइप्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और फोर ब्रेन को भी डिवाइड किया गया है आगे, एंड हिंड ब्रेन को भी किया है। तो फोर ब्रेन में फर्स्ट हमारा सेरिब्रम, नेक्स्ट डाइनसेफलॉन, और उसके अंदर भी पार्ट्स हैं लाइक थैलमस, हाइपोथैलेमस, पिनियल बॉडी। इसी तरह से हिंड ब्रेन, इसमें आता है सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला और लंगोटा। सो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को थ्री टाइप्स में फिर से किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन है इसको टू टाइप्स में कर दिया है, सेरिबेलम एंड डायनसेफलम। डायनसेफलम के अंदर हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिनियल बॉडी, इसकी स्टडी करते हैं। एंड हिंड ब्रेन को ऑल्सो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मैंडुला ऑब्लोंगेटा।
अब हमने सीएनएस को फ्लो चार्ट में देखा था, अब एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन देखते हैं कि ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, ये हमारा ब्रेन इसको टाइप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसके क्या क्या इसके स्ट्रक्चर हैं। तो ये हमारा ब्रेन है, और जो ये वाला हिस्सा है, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, सेरिबेरम और डाइनसेफलाम, इसमें था हमारा हाइपोथैलेमस, पिनियल बॉडी एंड थैलेमस। उसके बाद है मिड ब्रेन, ये वाले यहाँ से जो है, जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है वो है हमारा मिड ब्रेन ये वाला। इसके बाद है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में आता है हमारा सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, और ये है हमारी जो स्ट्रक्चर ये वाली, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, ये वाला पार्ट है इसको हम फोर ब्रेन कहेंगे, और इसमें है हमारे सेरिबेरम और डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन के अंदर थैलेमस, पिनियल बॉडी एंड हाइपोथैलेमस, ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर शो हो रही है। इसके बाद है हमारा मिड ब्रेन, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट किए हुए है, इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन। इसके बाद है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में आता है हमारा सेरेवेलम, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, ये हमारा पॉन्स, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बाद हमारी स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ब्रेन को अच्छे से देखते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेन, द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स आवर बॉडी। ब्रेन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन क्या वर्क कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हमारे थॉट्स को, मेमोरी, इमोशन, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर, ये सब किसकी वजह से रेगुलेट हो पा रहे हैं? ब्रेन की वजह से। ना फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगना किसकी वजह से, ये कौन सिग्नल देता है कि हाँ हमें अब भूख लग रही है? ब्रेन। और कोई भी मैं एग्जाम टाइम पे या हम किसी भी चीज को सीख रहे हैं वो किसकी वजह से सीख पाते हैं? ब्रेन की वजह से। लर्निंग कर पाते हैं हम, मेमोराइज कर पाते हैं किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। जो ब्रेन है वो हमारी होल बॉडी के हर एक प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और अच्छे से वो रेगुलेट हो पाए इस तरह से वर्क करता है। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। बिकॉज ऑफ, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये सारे, इतने सारे फंक्शन को कौन चला रहा है? ब्रेन चला रहा है। तो इसीलिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस भी नहीं चल पाएंगी। तो इसीलिए ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन इज सिचुएटेड इन अ क्रेनियल बॉक्स विच इज मेड ऑफ बोन। जो हमारा ब्रेन है वो किस में सिचुएटेड होता है या प्रोटेक्ट होता है? क्रेनियल बॉक्स में, जो कि किसका बना होता है? बोन्स का। इसके बाद है मेनिंजेस। सो मेनिंजेस क्या है? ब्रेन इज अ कवर्ड बाई थ्री मेम्ब्रेन्स टर्म एज मेनिंजेस। जो ब्रेन होता है हमारा वो थ्री मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर्ड होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। वेट ऑफ ब्रेन इन अडल्ट मेल 1400 ग्राम, फीमेल 1250 ग्राम। जो वेट ऑफ ब्रेन का होता है वो मेल एंड फीमेल में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है।